फरीदाबाद के टूंडला बचाओ आंदोलन की शुरुआत टूंडला नगर के दीपा चौराहे से हुई। देशभक्ति के गानों के साथ टूंडला को जगाने का काम रणबेरी के सदस्यों ने किया। रणबेरी के संयोजक रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में लगातार टूंडला की जनता को जागरूक करते रहे हैं। इस दौरान रणबेरी के सदस्य पैदल यात्रा वाहनों के साथ इस यात्रा में भी शामिल हुए। दीपा चौराहे से शुरू हुई इस यात्रा को टूंडला का भारी जनसमर्थन भी मिला। रणबेरी के सदस्यों ने टूंडला के सुभाष चौराहे पर पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और टूंडला की जनता को संबोधित करते हुए 29 जनवरी को जन संसद के आयोजन का ऐलान कर दिया। उसके बाद यह यात्रा टूंडला तहसील मुख्यालय पहुंची। तहसील मुख्यालय पर पहुंचते ही टूंडला बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भवर सिंह सोलंकी और महासचिव धीरेन शर्मा ने रणबेरी के इस टूंडला बचाओ आंदोलन यात्रा को सफल करने के लिए बार काउंसिलिंग का पूर्ण समर्थन और आश्वासन रणबेरी के संयोजक रंजीत गुप्ता और रणबेरी के पदाधिकारियों को दिया। तहसील परिसर में रणबेरी के संयोजक रंजीत गुप्ता ने SDM सत्येंद्र कुमार से सोमवार को दिए ज्ञापन का जवाब मांगा। ज्ञापन के जवाब में SDM टूंडला ने ज्ञापन के ऊपर तक पहुंचाने की बात कही, लेकिन रणबेरी के सदस्य SDMC टोल प्लाजा पर बात कर रहे। यह टोल फ्री कराने की मांग करने और सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा में सांकेतिक धरने पर बैठ गए। इस सांकेतिक धरने में टूंडला बार काउंसिलिंग के सभी अधिवक्ता शामिल हुए और रणबेरी की मांगों को सही बताते हुए इन मांगों को पूरा कराने की अपील प्रशासन से की। धरने पर बैठे रणबेरी के सदस्यों को SDM सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वह जिलाधिकारी से बात कर टोल फ्री कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। टोल फ्री न होने पर होगा जन संसद का आयोजन। 29 जनवरी को टोल प्लाजा पर टूंडला और आसपास के गांव के टूटेंगे लोग। रणबेरी ने मांगा 5,000 लोगों का समर्थन। टोल प्लाजा पर 5,000 लोगों के साथ धरना देगी रणबेरी। रणबेरी की टूंडला बचाओ आंदोलन यात्रा में बड़ी तादाद में संगठन के पदाधिकारी चरण यादव, चंचल कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। सोमवार को आप तो ज्ञापन दिए थे, क्या कार्रवाई हुई? हिसार में चौधरी वास का टोल 31 दिसंबर को फ्री कर दिया गया, जिसके लक्ष्य के दायरे भर सा काम है। आप अभी चाहेंगे अभी फ्री हो जाएगा।
आप अपनी पावर को समझिए, तुरंत लगवा सकते हैं किसी भी आंदोलनकारी पे, तो उनसे भी जरा बात कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे ऊपर लिखवा रहे हैं, लेकिन ये आपकी पावर में है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जिला कलेक्टर के बाद आपकी बारी आती है, तो एसडीएम टूंडला बतौर टूंडला तहसील में जो शोषण हनन और मौलिक अधिकारों का पतन हो रहा है उनको बचाइए, ये मेरा निवेदन है। भारत माता की जय।